नमस्कार दोस्तों, ईटीआई के केकेएल सीरीज 17 में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 15 मई 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल्स हो सकते हैं। उसी के साथ ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि हमको आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, और ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट या फिर पर्टिकुलर स्टॉक पे फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए, और अभी भी आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन पर अभी क्लिक कीजिए। सो पहले आज हम देखेंगे, हमने जो केकेएल सीरीज 16 में हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जो व्यू दिया था उसका मोमेंटम कैसे रहा है। सो चलो देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मोमेंट 14 मई 2024 का। सो हमने हमारे सीरीज केकेएल सीरीज 16 में हमने ये कहा था कि निफ्टी 14 मई 2024 के लिए भी पॉजिटिव ही है। हमने यही कहा था कि आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशंस के लिए निफ्टी पॉजिटिव है। उसी तरह आज अगर आप देखोगे, हमने जो लेवल्स दिए थे, जस्ट लेवल चेक करते हैं, हमने कल के सीरीज में ये कहा था कि अगर निफ्टी 22,131 लेवल क्रॉस करती है, 22,204, 22,249, 22,286 एंड 22,322 ये लेवल दिख सकते हैं 14 मई 2024 को। और उसी तरह आज मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 22,131 जैसे क्रॉस किया, तो हमने निफ्टी में एक तेजी देखने मिली है, जो कि पूरे दिन मार्केट एक ऊपर के लेवल में सस्टेन होता हुआ दिखा है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में 22,270 का हाई किया है, जो कि हमारा 22,286 का एक लेवल था। और डाउन साइड में हमने ये कहा था कि निफ्टी को 22,057, 22,012 का सपोर्ट है। उसी तरह अगर आप आज देखोगे तो निफ्टी में 22,081 का आज लो किया है। मतलब हमने ये जो कल के सीरीज में प्रेडिक्शन किया था, बिल्कुल ठीक उसी तरह आज हमको निफ्टी स्पॉट में मोमेंटम देखने मिली है। तो अब हम देखते हैं 15 मई 2024 के लिए निफ्टी में मोमेंटम कैसे हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो पहले हम निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी स्पॉट 22,217 के लेवल पे क्लोजिंग हुआ है, सेटल हुआ है, और आज का हाई 22,270 है। सो कल के लिए भी निफ्टी एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं, बट अगर 22,270 क्रॉस किया ऊपर के लेवल में तो ही हमको निफ्टी में तेजी दिखेगी। और 22,270 अगर क्रॉस करके सस्टेन होता है, देन 314, 22,342 एंड 22,364 ये लेवल्स हमको देखने मिलेंगे। अगर करंट लेवल से मार्केट डाउन आता है तो डाउन साइड निफ्टी को 22,175 और 22,153 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और डाउन आती है तो डाउन 22,153 जैसे हमने कहा और 22,175 यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। डाउन साइड अगर 22,081 क्रॉस किया तो ही हमको निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी। डाउन साइड के लेवल्स में 22,081 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो क्रॉस किया तो 22,086, 22,008, 22,986 एंड 22,964 ये लेवल्स हमको देखने मिलेंगे। ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव है। तो कल मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी कहाँ पे सस्टेन होती है वो देखना है। ऊपर के लेवल में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है तो सेकेंड सेशन में मतलब 1-2 बजे के बाद हमको निफ्टी देखना है कि कहाँ पे रजिस्टेंस कर रहा है। सो शायद अगर निफ्टी 22,270 के बाद क्रॉस करने के बाद अपसाइड मोमेंटम दिखा तो दोपहर के बाद शायद एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकता है। सो ये था हमारा निफ्टी 15 मई 2024 के लिए व्यू ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। सो अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी स्पॉट के लिए 15 मई 2024 के लिए व्यू क्या हो सकता है। सो बैंक निफ्टी स्पॉट 47,859 का एक क्लोजिंग आया है।
जो कि अराउंड 50% के ऊपर है, मतलब जो 15 में 2024 के लेवल्स है उसके जो 50% लेवल है, दैट इज 47,772। अगर आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप नोट डाउन करके ले सकते हो जो हम लेवल्स बता रहे हैं, क्योंकि आपको इसके हिसाब से कल के मार्केट के लिए प्लान आउट करना है। सो निफ्टी 47,772 ये हमारा 50% लेवल है, और आज का जो क्लोजिंग आया है 14 मई 2024 का, वो है 47,859। इसका मतलब यह है कि आने वाले एक दो सेशंस के लिए, मतलब कल के लिए, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव मोमेंटम देने के चांसेस हैं। अगर बैंक निफ्टी करंट लेवल पे सस्टेन होती है, देन 47,937, 48,014, 48,063, 48,102, 48,140, 48,267 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। सो ये एक कल के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि 48,267 के लेवल का है। डाउन साइड में अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा नीचे आती है, तो 47,772 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है। और उसके बाद 47,733 ये भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो कि पिछले महीने में, अप्रैल मंथ में, 22 से 26 अप्रैल के बीच में 47,725 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि हमारे सीरीज वन से हम बता रहे थे कि 47,733 और 47,628 ये हम इम्पोर्टेंट लेवल हमारे पिछले सीरीज में हम कंटिन्यू आपको बता रहे थे। सो अभी बैंक निफ्टी अगर करंट लेवल से अगर नीचे आती है, तो 47,772 जैसे हमने कहा, और 47,733 ये लेवल्स का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। डाउन साइड में अगर 47,607 बैंक निफ्टी सस्टेन होती है, तो ही बैंक निफ्टी में हमको गिरावट देखने मिलेगी। डाउन साइड में 47,607 ब्रेक होने के बाद 47,529, 47,480, 47,442 और 47,403 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो। और 47,403 क्रॉस करता है तो ही हमको 47,277 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक मार्क करता हूँ ब्लू कलर से, ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो कल के लिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट जो है वो आपको देखने मिलेंगे। सो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू जो है कल के लिए भी तेजी है, बट सेकेंड सेशन में हमको प्रॉफिट बुकिंग भी शायद देखने मिल सकती है, बिकॉज आज के दिन और कल के दिन, मतलब सोमवार और मंगलवार दोनों दिन मार्केट में हमको एक रिकवरी और एक तेजी देखने मिली है, जो कि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। सो मोमेंटम हमको दोनों साइड में देखने मिलेगी। सो ये था हमारा 15 मई 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट और निफ्टी स्पॉट का व्यू ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। सो अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा स्टॉक है जो हमको आने वाले 8 या 10 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। तो वो स्टॉक का नाम है टाटा पावर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा पावर में 13 मई और 14 मई, मतलब कल मंडे और ट्यूसडे, दो दिन टाटा पावर में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है, जो कि स्टॉक लगभग 3 मई से लेकर एक 13 मई तक स्टॉक ने 459 से एक 386 का 396 का लो बनाने के बाद यहाँ पे 13 मई और 14 मई को टाटा पावर में रिकवरी देखने मिली है। सो आने वाले समय में हम टाटा पावर पे बुलिश है। अगर करंट लेवल से टाटा पावर अपसाइड सस्टेन होता है, मतलब 433 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो टाटा पावर में 442, 447, 454 एंड 468 के लेवल्स हमको देखने मिल सकते हैं। अगर करंट लेवल से टाटा पावर नीचे आता है, तो हमको 418 एंड 414 का इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट है और सपोर्ट है, जो कि 61.8% का रिट्रेसमेंट एंड 50% का रिट्रेसमेंट। सो अगर टाटा पावर करंट लेवल से नीचे आता है और 418 एंड 414 अगर टच होता है, तो वो भी एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है टाटा पावर के लिए। डाउन साइड में टाटा पावर को एक 390 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि होल्ड करके हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। सो करंट लेवल से टाटा पावर अगर अप जाता है, तो 442, 447,
454 एंड 468 के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे। एंड अगर करंट लेवल से नीचे आता है तो 418 एंड 414 ये एक अच्छा लेवल बाइंग के लिए हो सकता है। सो ये था हमारा आज का पहला टेक्निकल स्टॉक जो कि टाटा पावर आने वाले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन के लिए हमको पॉजिटिव मोमेंटम दिख रही है। हमारा दूसरा स्टॉक है टेक्निकल बेसिस पे जो कि अदानी टोटल गैस। सो अदानी टोटल गैस में भी अगर आप देखोगे तो 13th में एंड 14th में को एक अच्छा खासा स्पाइक देखने मिला है। ये देखो यहाँ पे लगभग 14th में को 875 के रुपीज से स्टॉक ने 932 का हाई बनाया है। सो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए हम अदानी टोटल गैस पे पॉजिटिव है। स्टॉक आज 908 के लेवल पे सेटल हुआ है, क्लोजिंग हुआ है। अगर करंट लेवल से स्टॉक अपसाइड जाता है तो हमको 932, 955, 967 और 984 के लेवल्स आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अदानी टोटल गैस में दिखेंगे। करंट लेवल से अगर स्टॉक डाउन आता है तो 901 और 891 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 61.8% का रिट्रेसमेंट एंड 50% का रिट्रेसमेंट है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर अदानी टोटल गैस करंट लेवल से डाउन आता है जो कि 61.8% का जो रिट्रेसमेंट है 901 एंड 50% का रिट्रेसमेंट है 891, तो यहाँ पे एक बार रिट्रेस होके अगेन अदानी टोटल गैस में हमको पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकती है। स्टॉक करंट लेवल पे भी पॉजिटिव ही है, बट हमने कहा कि अगर नीचे आता है तो वो अच्छा एक बाइंग लेवल हो सकता है। करंट लेवल से भी स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉक को डाउन साइड में 845 के लेवल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ से स्टॉक 845 के लेवल क्रॉस होता है तो हमको स्टॉक से एग्जिट करना है, बट फिलहाल हम स्टॉक पे पॉजिटिव है। सो ये दो स्टॉक्स थे जो कि आने वाले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमको पॉजिटिव लग रहा है। पहला स्टॉक था जो कि टाटा पावर एंड सेकेंड स्टॉक था हमारा अदानी टोटल गैस। फंडामेंटल न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारा पहला फंडामेंटल जो न्यूज है वो है मैनकाइंड इंफ्रा के बारे में। मैनकाइंड फार्मा ने एडवांस से भारत सीरम और वैक्सीन का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है जो कि एक अच्छा फंडामेंटल न्यूज है और वो स्टॉक पे आपको देखने मिल रही। सूत्रों के अनुसार एडवांस के पास वर्तमान में भारत सीरम और वैक्सीन में 100% हिस्सेदारी है और अब वह बाहर निकलने की तलाश में है। सो ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज है जो कि आने वाले दिनों में मैनकाइंड फार्मा पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यही फंडामेंटल न्यूज का स्टॉक पे शायद इम्पैक्ट हो सकता है। हम देखते हैं एक बार चार्ट पे। सो स्टॉक पे आज के दिन मतलब 14th में 2024 के दिन स्टॉक पे जो अभी न्यूज आया है आज ही, तो वो न्यूज का इम्पैक्ट हमको देखने मिला है। सो आने वाले सेशंस में भी ये स्टॉक पे ये फंडामेंटल न्यूज का अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। आज भी स्टॉक अराउंड 69 रुपीज पॉजिटिव है कल के क्लोजिंग से। सो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी मैनकाइंड फार्मा में हमको तेजी देखने मिलेगी। स्टॉक को अगर आप टेक्निकली देखने जाओगे तो स्टॉक को 2140 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। करंटली स्टॉक जो सेटल हुआ है, क्लोजिंग हुआ है 2248 के लेवल पे स्टॉक क्लोजिंग हुआ है। करंट लेवल से भी अगर आप फंडामेंटल न्यूज का बेस पकड़ते हो तो स्टॉक एक 2350 एंड 2400 के लेवल्स हमको यहाँ से दिख रहे हैं। सो आने वाले 15 से 20 दिन के लिए ये स्टॉक जो फंडामेंटल न्यूज है जो आई है आज के दिन, उसका इम्पैक्ट ये स्टॉक पे आने वाले 10 से 15 दिन में दिखने की संभावना है। सो ये था हमारा मैनकाइंड फार्मा के लिए फंडामेंटल न्यूज। इसी के साथ और एक स्टॉक है जो कि पीरामल ग्रुप का है। ये देखिए, सो पीरामल समूह की शाखा ने सूक्ष्म ऋणदाता अन्नपूर्णा फाइनेंस में 600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये सबसे एक
फंडामेंटल इम्पोर्टेंट न्यूज है जो कि पीरामल ग्रुप के लिए। सो पीरामल एंटरप्राइज पे आपको ध्यान देना है, ये स्टॉक में आपको अच्छी खासी मोमेंटम दिख सकती है। अगेन मैं फंडामेंटल जो न्यूज है वो रिपीट करता हूँ, पीरामल समूह की शाखा ने सूक्ष्म ऋणदाता अन्नपूर्णा फाइनेंस में 600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि निवेश में मौजूदा शेयरधारक के द्वितीयक हिस्सेदारी खरीदना और उसे गैर प्रमुख टीयर टू पूंजी प्रदान करना भी शामिल है। सो ये था हमारा पीरामल ग्रुप के लिए एक फंडामेंटल न्यूज जो कि स्टॉक पे भी आपको शायद देखने मिल सकता है। तो हम अभी इसका फंडामेंटल न्यूज देखा है, अभी हम देखेंगे स्टॉक चार्ट के बेसिस पे कैसे लग रहा है। ये देखिए पीरामल एंटरप्राइज जो कि 8:30 के लेवल पे चल रहा है, ये स्टॉक आज 3 रुपीज पॉजिटिव है। बट आने वाले समय में ये जो आज का न्यूज है जो कि पीरामल ग्रुप ने अन्नपूर्णा फाइनेंस में 600 करोड़ का रुपए का निवेश किया है, सो आने वाले समय में इस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जो कि स्टॉक अगर आप 1 या 2 महीने के लिए होल्ड करते हो तो शायद स्टॉक में 886 के लेवल, टेक्निकल बेसिस पे हम कह रहे हैं 886 के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। टेक्निकल लेवल पे अगर हम स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक को 805 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सो स्टॉक के ऊपर ये जो फंडामेंटल न्यूज है इसका जरूर इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, और स्टॉक करंट लेवल पे 830 पे है। सो आने वाले दिनों में 886 के लेवल्स हम इसमें देख रहे हैं। सो ये था हमारा फंडामेंटल न्यूज जो कि हमने मैन फार्मा एंड पीरामल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया, और उसी के साथ यही फंडामेंटल न्यूज का हमने उसके स्टॉक्स भी देखे जो कि वो स्टॉक पे इम्पैक्ट हो सकता है और उसके हमने लेवल्स डिस्कस किए। उसी के साथ आज हमने दो टेक्निकल स्टॉक्स जो है वो भी हमने डिस्कस किए किए हैं। हमारा पहला स्टॉक है जो कि टाटा पावर, और दूसरा जो स्टॉक था हमारा अदानी टोटल गैस। उसी के साथ हमने 15 मई 2024 के लिए हमारा निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट का जो लेवल्स है वो क्या हो सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट होगा कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वो भी हमने डिस्कस किया है। सो दोस्तों ये था हमारा 15 मई 2024 के लिए ओवरऑल मार्केट के ऊपर व्यू। सो आने वाले दिनों में भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने मिलेंगे। सो हर रोज आपको वीडियो एंड तक देखना है, बिकॉज अगर आप एंड तक देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कल के मार्केट के लिए आपको क्या क्या करना है, कौन से रजिस्टेंस है कौन से सपोर्ट है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 15 मई 2024। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।